तुम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करके तुम अपने चेहरे को आकर्षक तो बना सकते हो, लेकिन तुम अपनी इनर ब्यूटी कहाँ से लाओगे? जो आंतरिक सुंदरता है मन की, वो कहाँ से आएगी? तुम जिम में जा करके अपने मसल तो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन हृदय में अदम्य साहस और उत्साह कहाँ से आएगा? जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन होता है, उस हार्मोन की वजह से ही सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल अर्ज है, वो डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर। और जो लोग एक बहुत ही बड़े लक्ष्य को अपने जीवन में बना चुके हैं, ठान चुके हैं, एक बड़े लक्ष्य की तरफ जो लोग मूव कर रहे हैं, उन्हें तो इस ऊर्जा का डेफिनेटली संरक्षण करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग जब हम बनाते हैं ना, तो उसके कई पिलर्स होते हैं, मेन पिलर्स, जिस पे कि वो बिल्डिंग पूरा टिका होता है। अगर उन पिलर को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बिल्डिंग कुछ ही समय में कोलैप्स कर जाएगा। उसी प्रकार से विपासना भी कई पिलर्स पे आधारित है। विपासना विद्या, जब आप 10 दिन के लिए शिविर में जाते हैं, मेडिटेशन कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ पिलर्स हैं विपासना के। उसमें से एक है ब्रह्मचर्य। उसमें से लिखा हुआ है, आप जब उसके पेज पर पढ़ेंगे, विपासना के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में कि यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो विपासना विद्या हमारी बलवती होती है, विपासना विद्या हम कर पाते हैं, विपासना को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और नियमों का पालन जो है, उन ब्रह्मचर्य जैसे कि एक नियम है, और भी कई सारे, उसमें 5 नियम है टोटल, उन नियमों का पालन करने की शक्ति मिलती है। नियमों का और अधिक पालन करते हैं, विपासना और अधिक बलवती होती है, विपासना और अधिक बलवती होती है, नियमों के पालन करने की शक्ति और अधिक मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बिना शील के आप जो है समाधि की ओर अगर मूव कर रहे हैं, बिना शील के अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो ध्यान जो है बहुत हद तक काम नहीं करेगी, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि ये डिजायर्स आना इज वेरी नॉर्मल, इज अ बायोलॉजिकल थिंग, बट लेकिन वो शरीर जब चाहता है आपसे जो चाहता है करवा लेता है। लेकिन जब आप विपासना विद्या को सीख कराएंगे और इसका लगातार अभ्यास करेंगे, तब ऐसा नहीं होगा, तब उसका उल्टा होगा। अब जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे विपासना आपके अंदर के जो ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में कैसे विपासना सहायक होता है। मैकेनिज्म जो मैं समझाने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो लोग विपासना ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो उसे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग विपासना नहीं किए हैं, वो पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो उसे समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपका ध्यान किसी और चीज़ों पर अभी है, तो अपने ध्यान को बिल्कुल वहाँ से हटाकर थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मुझ पर केंद्रित करें और मेरी बात ध्यान से सुनें। पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, तो उसी विचार से संबंधित एक सेंसेशन बॉडी पे जनरेट होती है, ठीक है। जैसे कि क्रोध का विचार आया, तो एक सेंसेशन बॉडी पे जनरेट होती है। फिर जैसे कि काम का विचार आया, सपोज सेक्सुअल डिजायर, अर्ज, सेक्सुअल अर्ज आया, तो भी उससे रिलेटेड एक प्रकार का सेंसेशन बॉडी पे जनरेट होता है। और विपासना किया हुआ जो साधक है, जो विपासना जानता है, विपासना मेडिटेटर है, वो यहीं पे अलर्ट हो जाता है और उसे पता होता है कि इस सेंसेशन को किस प्रकार से देखना है। एक विशेष प्रकार से उसे विपासना विद्या जब उसे सिखाई जाती है, तो इन सेंसेशन को देखने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसका माइंड ट्रेन होता है, वो उसी प्रकार से उस सेंसेशन को ऑब्जर्व करता है। और जैसे ही उस सेंसेशन को ऑब्जर्व करता है, तो वो जो सेक्स संबंधी विकार हैं, या फिर मन के क्रोध संबंधी विकार है, ईर्ष्या संबंधी विकार है, जितने भी विकार जो दबे हुए हैं, जो निकल कर बाहर सरफेस पर आ रही है, माइंड के अपर सरफेस पर, वो सब इरेडिकेट हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, उन पर विजय प्राप्त होती है। तब कोई कंपल्सन हमें नहीं महसूस होता कि हमें ये करना है। तब जो होगा वो आपके विल के अकॉर्डिंग होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ योर बॉडी, बट अकॉर्डिंग टू योर विल। क्योंकि हमारे मन में ही वो चीज़ होती है, इसलिए हम बाहर की चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं, बाहर की चीज़ों को देखकर स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर मन में अगर विजय प्राप्त हो गई, तो बाहर तो विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यही एक ऐसी विद्या है जिससे अभी तक सबसे अधिक लोग इनलाइटेंड हुए हैं, अरहंत की अवस्था को प्राप्त हुए हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप किस तरह का भोजन करते हैं। यदि भोजन कुछ वैसा हो जैसे वेजिटेरियन फूड हो, तो ये आपको इस तरह के डिजायर्स को कंट्रोल करने में, आपकी जो काम ऊर्जा है उसको आपके अंदर प्रिजर्व करने में ये बहुत ही सहायता प्रदान करती है, वेजिटेरियन फूड। और जैसे फल आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ब्रह्मचर्य के पालन करने में इससे सहायता मिलती है। भारत के ही इंटेलेक्चुअल लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, वो अपनी धर्म की, यहाँ की संस्कृति को
इर्रैशनल बताकर, अंधविश्वास बताकर साइड कर देते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। अब वैलेंटाइन डे देख लीजिए, अब यहाँ की लड़कियाँ जो दिल्ली मुंबई के शहरों की लड़कियाँ हैं, इनसे अगर कह दीजिए कि भैया ऐसा करो कि इतने छोटे कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से पहन लो, तो जवाब क्या मिलेगा आपको पता है? जवाब मिलेगा माई बॉडी माई चॉइस। अब सुन सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई, आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है। तो आज से 70-80 हज़ार साल पहले भी तुम यही करते थे, तब भी तुम नंगे रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे और उससे अपना पेट भरते थे। तो तुम अपने उसी आदिमानव की पुरानी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, बढ़ते रहो कंटिन्यूसली। स्टेटमेंट को देखिए, स्लोगन को थोड़ा ध्यान से दीजिए, वेस्टर्न कंट्री का ये स्लोगन है माई बॉडी माई चॉइस, मैं और मेरा का भाव कितना यहाँ जकड़ा हुआ है। लेकिन अगर अपने देश की फिलोसोफर को देखें, यहाँ के जो संत हैं, ऋषि हैं, जो यहाँ के जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो क्या कहते हैं? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मतलब मैं ये शरीर भी नहीं हूँ और मैं यह मन भी नहीं हूँ। तो सोचिए, बॉडी से अपने आप को पहले डी एसोसिएट कर लिया। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारियों का मैं एम्बेसडर हूँ या इस फिलॉसफी को मैं पूरे देश में या पूरी दुनिया में प्रमोट करना चाहता हूँ। मुझे विपासना चूँकि मैंने कई वर्षों से लगातार किया है और इसके करने से जो मुझे रिजल्ट दिखा है और जो इसके जो एक्सपीरियंस है जो मुझे प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर मैंने कहा।